सो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ओडिशा जॉब डिटेल्स यूट्यूब चैनल को आपन मन को प्रथम स्वागत। फ्रेंड्स, आपन मन पई हमर ई चैनल ओडिशा जॉब डिटेल्स डेली प्रतिदिन आपन मन को गवर्नमेंट एवं प्राइवेट जॉब्स अपडेट दे रखुची। केवल आपन मन को डिमांड रिलेटेड मु आपन मन पई केते गुडी क्लास स्टार्ट करुची, जो थरे कि आपन मन को मैथमेटिक्स क्लास एवं जीके क्लास मिलबार रहइबो। तबे जीके क्लास टी आपन मन को बहुत जल्दी आसची, आउ मैथमेटिक्स क्लास ऑलरेडी आरंभ होई सारी छी। गोटे चैप्टर उपर आमे आलोचना करि रखुचे, तार पूर्व मु आपन मन को कहि रखुचे गोटे विषय रे मु आपन मन को जणै रखिचि। गत वीडियो रे मु आपन मन को नंबर सिस्टम रो सब बेसिक फंडा विषय रे कहि रखितली। जसे वीडियो रे देखि नांती ताले वीडियो रे डिस्क्रिप्शन रे आपन को लिंक मिलि जइबो। आपन माने ए वीडियो देखि सैला पर से वीडियो टू निश्चिंत देखिरबे, काहेकि ना आज रो वीडियो डिविजिबिलिटी फार्मूला पर अछि। मु आपन मन को टोटल डिविजिबिलिटी फार्मूला टी बुझैबी। 2 रु 11 जाय आपन माने अति आराम से जानि परिबे गोटे डिविजिबिलिटी फार्मूला पाई परिबे। तबे आपन मन को रिक्वेस्ट रहइबो फ्रेंड्स, आपन माने वीडियो टी को सेस जाय देखंतु। वीडियो टी निश्चित रूपे मु आपन को कहिबे भल लगिबो। जदि भल लगे वीडियो टी को लाइक करिबे, चैनल को प्रथम तरकी विजिट करथिले दया कर चैनल को सब्सक्राइब करनेबे, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करिबे, जॉब अपडेट पाई परिबे एवं एई बोली गुरुत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन एजुकेशन रिलेटेड टॉपिक्स उपरे नॉलेज पाई परिबे। आपन मन जदि हम चैनल को सब्सक्राइब करसंती, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करसंती, तेबे प्रतिदिन 12टा बेले आपण मानको गोटे गोटे मैथ क्लास मिलिबो एवं जीके क्लास विषय में आपण मानको आगु कहि रखिबी। केबे आसुची जीके क्लास अति जल्दी आसुची आपण मानको पई। केवल ओडिशा पुलिस पई मु प्रिपरेशन करबी निहाती रूपे। आपण मान जदि ओडिशा पुलिस पई प्रिपरेशन करचोंते ताले वीडियो को शेष जाय देखिबे, नचेत आपण मानकर इच्छा आपण मानको पे डिपेंड करे। किंतु ओडिशा पुलिस रो कमेंट रहउची, पिला माने बहुत पिला कमेंट करचोंती कमेंट सेक्शन रे, सर ओडिशा पुलिस पई नॉर्मल किछि ना किछि स्टडी मटेरियल आम पई शेयर करंतु, जेद्र कि आमर नॉलेज बढ़ी परिबो। तेबे मु आपण मानको कमेंट रिगार्ड एसब अपडेट दे रखी। प्रतिदिन 12टा आपन मन पई मैथमेटिक्स क्लास आसीबो एवं नेक्स्ट किछ दिन भीतर आपन मन पई जीके क्लास आसीबो। मु आपन मन को से सब विषय शेयर करनेबी। किंतु आज जो एपिसोड रही डिविजिबिलिटी फार्मूला या विषय आम नॉलेज पकेबा, 2-11 पर्यंत अति आराम से आम केमती जानिबा गोटे फार्मूला पाई परिबा, जे एई संख्याटी एई संख्या द्वारा विभाज्य अति आराम से जानिपरिबा, जहाँकि आपर एग्जाम आसूँ। जदि आपड़शा पुलिस विभिन्न एग्जाम देखते आप जानते डिविजिबिलिटी फार्मूलार गोटे प्रश्न निश्चित भी आसे, 7-5 प्रश्न मैथमेटिक्स आसे, कि भितर गोटे डिविजिबिलिटी फार्मूला रही थोड़ा बा नंबर सिस्टम उपर गोटे प्रश्न रही थोड़ा तेज जानवे आपण मानक बहुत भल लगे निश्चित रूप भिडियो शेष जाए देखिए। तेज चलतु आरंभ करवा आज एपिसोड को, जो थी आपंपरि डिविजिबिलिटी फार्मूला। तो देखते फ्रेंड्स, आपको डिटेल्स कह रखी डिविजिबिलिटी फार्मूला पर नॉलेज आपरिवे, किंतु तापूर्व आपश्चित रूप गोटे खाता कलम धरिकी बसंतु, जो थे कि आपखिबे मुझे जहाँ कहि आपखिबे लिखा द्वारा आपर नॉलेज बढ़ो। जदि बर्तमान जापार ना लिखी ही आपने बुझीपारे जिनसी को, जदि बुझी भी पार्ना कमेंट सेक्शन में निश्चित रूप कमेंट करेंगे, जार उत्तर मुझे नेक्स्ट एपिसोड में आपको सेयार करी। तेज चलतु आज जो एपिसोड टी आरंभ करवा देखा। प्रथम जो संख्याटी अच्छे कौन ना 2, गोटे संख्या 2 द्वारा विभाज्य बोली केमिति जानिबा। सामना रे लेखा जाइछि कोन ना जे संख्यार एक घरे 0, 2, 4, 6, 8 थिबो, जे संख्यार एक घरे 0, 2, 4, 6, 8 थिबो सेही संख्याटी 2 द्वारा विभाज्य। मनेकर गोटे संख्या आमे लेले 10,524, ए संख्याटी 2 द्वारा विभाज्य बोली आमे केमिति जानिबा। तेबे देखंतु मु कोन कहिछि ना जे संख्यार एकक घरे 0, 2, 4, 6, 8 थिबो सेही संख्याटी 2 द्वारा विभाज्य हेबो। देखंतु एठी एकक घरे केते अछि 4 अछि, तेबे ए संख्याटी जे 4 अछि तो देखंतु मु कोन कहिछि ना 0, 2, 4, 6 थिले ए संख्याटी विभाज्य हेबो, तो ए संख्यार एकक घरे 4 थिबारु ए संख्याटी 2 द्वारा विभाज्य हेबो। एठी जदि एकक घरे 0, 2, 4, 6 भितर जे कोनो संख्या थांता बि टोटल उपर संख्याटी एक सॉरी 2 द्वारा विभाज्य हो जीव, तो यही फर्मूलार आपण मैं जानपरेंगे। जदि गोटे संख्यार एक घरे 0, 2, 4, 6, 8 थी ताहले से संख्याटी 2 द्वारा विभाज्य हो पार। परवर्ती 3 अंक जो रही 3 क्यों संख्या द्वारा विभाज्य बोली केमिति जानिबा, तबे यार फर्मूला अति सिंपल आपण मैंने जानपरेंगे। जदि गोटे संख्यार अंक मानकर समष्टि कौन लिखा जाए ना, जदि गोटे संख्यार अंक मानकर समष्टि 3 द्वारा विभाज्य हुए ताहले से संख्याटी टोटल उपर 3 द्वारा विभाजित, माने केमिति जानिबा चलंतु देखिबा। 888 ठीक अछि, 888 ए जो संख्याटी आपण मानकर 3 द्वारा विभाज्य बोली आमे केमिति जानिबा। एठी जो संख्या गुडी को रहिला 888 रे 3टा 8 अछि, 888 3टा 8 जो अछि 3टा 8 को मिसिबा द्वारा आंसर अछि 24।
ଏଇ ଚବିଶଟା ଯଦି ତିନି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜିତ ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ ଆଠଶହ ଅଠାଅଶୀ ତିନି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜିତ ହୋଇଯିବ। ଯେହେତୁ ତିନି ପଣିକରେ ଆଠ ଗୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଚବିଶ ହେଉଛି, ତେବେ ଚବିଶଟା ତିନି ଦ୍ୱାରା ଛିଡ଼ି ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଏ ଟୋଟାଲ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି ତିନି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ନେଇପାରିବେ, ଯେତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ନେଲେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆନ୍ସର ଏତିକି ଆସିବ। ମନେକର ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା, କେତେ ନେଉଛନ୍ତି ନା ଦୁଇଶହ ଚଉବନ, ପାଞ୍ଚ ଚାରି ନଅ ଦୁଇ ଏଗାର। ଯେହେତୁ ଏଗାର ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଲା ହାରି, ଏଗାର ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଏଗାର ତିନି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜିତ ନୁହେଁ, ଏ ସଂଖ୍ୟାଟି ତିନି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜିତ ହୋଇପାରିବନି, କାହିଁକି ନା ଆର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଏଗାର ଆସୁଛି, ଏଗାର ତିନି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯଦି ଦୁଇଶହ ପଞ୍ଚାବନ ନେଉଛେ ତାହେଲେ ଏ ସଂଖ୍ୟାଟି ତିନି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜିତ ହୋଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଜାଣିବା ନା ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଦଶ ଦୁଇ ବାର, ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି କେତେ ବାର, ଯାହାକୁ ତିନି ଦ୍ୱାରା ହରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ତିନି ଦ୍ୱାରା ଛିଡ଼ି ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଦୁଇଶହ ପଞ୍ଚାବନଟି ତିନି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜିତ ହୋଇପାରିବ। ପୁଣି ଥରେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ତିନି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜିତ ହୁଏ ସେ ସଂଖ୍ୟାଟି ଟୋଟାଲ ଉପରେ ତିନି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଆମେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଚାରି ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଜାଣିବା, ଚାରି ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ବିଭାଜ୍ୟ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି, ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଦଶକ ଘରର ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଚାରି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜିତ ହୁଏ ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ସଂଖ୍ୟାଟି ଚାରି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଏବଂ ଦଶକର ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଚାରି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜିତ ହୁଏ ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆପଣଙ୍କର ଚାରି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜିତ ହୋଇପାରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେବା ଛଅଶହ ଚବିଶ, ଛଅଶହ ଚବିଶରେ ଏକ ଘର ସଂଖ୍ୟାଟି ଚାରି, ଦଶ ଘର ସଂଖ୍ୟାଟି ଦୁଇ, ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଡ଼କ ଯୋଡ଼କ ରହିଲେ ଚବିଶ, ଏଇ ଯଦି ସଂଖ୍ୟାଟି ଚବିଶଟି ଯଦି ଚାରି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜିତ ହୋଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଛଅଶହ ଚବିଶ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଚାରି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଯେହେତୁ ଚବିଶଟି ଚାରି ଦ୍ୱାରା ଛିଡ଼ି ଯାଉଛି, ଛଅଶହ ଚବିଶ ଚାରି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜିତ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେବା ପାଞ୍ଚଶହ ଚଉରାଅଶୀ, ପାଞ୍ଚଶହ ଚଉରାଅଶୀରେ ଏକ ଘର ଦଶ ଘର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ରହିଛି ନା ଚଉରାଅଶୀ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚଉରାଅଶୀଟା ଯଦି ଚାରି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜିତ ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ପାଞ୍ଚଶହ ଚଉରାଅଶୀ ଚାରି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜିତ ହୋଇଯିବ। ଚାରି କେ ଚାରି, ଚାରି ଦୁଗୁଣେ ଆଠ, ଚାରି କେ ଚାରି, ଏକୋଇଶ ଚଉ ଚଉରାଅଶୀ। ଯେହେତୁ ଚାରି ଦ୍ୱାରା ଛିଡ଼ି ଯାଉଛି ଚଉରାଅଶୀଟା, ଟୋଟାଲ ସଂଖ୍ୟାଟି ପାଞ୍ଚଶହ ଚଉରାଅଶୀ ଚାରି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜିତ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ରୂପେ ଆକୁ ହରିପାରିବେ, କାଲକୁଲେସନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ନିହାତି ରୂପେ ଖାତା ପେନ୍ରେ ହରନ୍ତୁ, ପାଞ୍ଚଶହ ଚଉରାଅଶୀଟା ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଚାରିରେ ଛିଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ତାର ଏକ ଘର ଦଶ ଘର ସଂଖ୍ୟା ଚାରି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ଟୋଟାଲ ସଂଖ୍ୟାଟି ଚାରି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଦଶ ଲକ୍ଷରେ ଥିଲେ ବି ସଂଖ୍ୟାଟି ଯଦି ଏକକ ଦଶ ଘର ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଚାରି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ତାହେଲେ ସେ ଦଶ ଲକ୍ଷ ପନ୍ଦର ଲକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟାଟି ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଚାରି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା ପାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବିଭାଜ୍ୟ କେମିତି ଜାଣିବା, ଅତି ସିମ୍ପୁଲ ଅତି ସହଜ, ଛୋଟ ପିଲା ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଶୂନ ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ଥିବ, ଶୂନ କିମ୍ବା ପାଞ୍ଚ, ଯଦି ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଶୂନ କିମ୍ବା ପାଞ୍ଚ ଥିବ ତାହେଲେ ସେ ସଂଖ୍ୟାଟି ପାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଆରାମସେ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଞ୍ଚର ଗୁଣିତକ ଯଦି ଦେଖିବା, ପାଞ୍ଚ କେ ପାଞ୍ଚଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଞ୍ଚ ଯଦି ଲକ୍ଷେ ଗୁଣିଦେବା କି ପାଞ୍ଚରେ ପନ୍ଦର ଲକ୍ଷ ଗୁଣିଦେବା ତାହେଲେ ଏକ ଘରେ ଶୂନ କିମ୍ବା ପାଞ୍ଚ ଆସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ। ତ ନିହାତି ରୂପେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଶୂନ କିମ୍ବା ପାଞ୍ଚ ଥିବ ଏକ ଘରେ, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଶୂନ ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ଥିବ ଯଦି ଏକ ଘରେ ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ସଂଖ୍ୟାଟି ପାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଛଅ, ଛଅର ଟିକିଏ ଫର୍ମୁଲା ଟ୍ରିକି, ଆପଣମାନେ ଖାତା କଲମ ଧରିକି ଟିକେ ଟାଇପ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଠି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି କ'ଣ ନା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ସଂଖ୍ୟାଟି ଯଦି ଦୁଇ ଏବଂ ତିନି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜିତ ହେଉଥିବ, ସଂଖ୍ୟାଟି ଯଦି ଦୁଇ ଏବଂ ତିନି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜିତ ହେଉଥିବ ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆମର କାହା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନା ଛଅ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଉଭୟ ଦୁଇ ଏବଂ ତିନି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜିତ ହେଉଥିବ ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆପଣଙ୍କର ଛଅ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ତୋରେ ନେବା, ମନେକର ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ରହିଲା ଦୁଇଶହ ବାଇଶ, ଦୁଇଶହ ବାଇଶ ସଂଖ୍ୟାର ଏକ ଘରେ କେତେ ଅଛି ଦୁଇ, ତେଣୁକରି ଏହା ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ଛିଡ଼ିବ। ଦୁଇଶହ ବାଇଶର ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟି ଛଅ, ଯେହେତୁ ଛଅଟି ତିନି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ତାହେଲେ ଏଇ ଟୋଟାଲ ଦୁଇଶହ ବାଇଶଟି ତିନି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜିତ ହୋଇଯିବ। ତ ନିହାତି ରୂପେ ଦେଖିପାରିଲେ ନା ଏଠି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଲା କ'ଣ, ଏମିତି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଶହ ବାଇଶ ଯାହାକି ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଛି, ତା ସହିତ ଛଅ ଦ୍ୱାରା ବି ସରି ତିନି ଦ୍ୱାରା ବି ବିଭାଜିତ ହେଉଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଛି ନା, ଯଦି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଉଭୟ ଦୁଇ ଏବଂ ତିନି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜିତ ହେଉଥିବ ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ସଂଖ୍ୟାଟି ଛଅ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ପରେ ଆସେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଛଅ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜିତ ସଂଖ୍ୟାଟି କେମିତି କାଢ଼ିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି କାଢ଼ିପାରିବେ, ଯଦି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଉଭୟ ଦୁଇ ଏବଂ ତିନି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜିତ ହେଉଥିବ ତାହେଲେ ସେ ସଂଖ୍ୟାଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଛଅ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଅପସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ନା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସାତ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କେମିତି ଜାଣିବା। ସାତ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ଟିକିଏ ଟ୍ରିକି ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଖାତାରେ ନିହାତି ରୂପେ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ନା, ଯଦି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଘରର ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣିବା ଦ୍ୱାରା, ଯଦି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର
एकक घर संख्या सहित पाँच गुणवा द्वारा जहाँ उत्तर आसला ताकू बाकी संख्यार मिसेवा द्वारा जहाँ उत्तर आसला ताहा जदि सात द्वारा विभाजित हुए ताहले टोटल संख्याटी आपणकर सात द्वारा विभाजित हेबो। मुं भावुछि आपण माने टिके बुझी पारनथिबे, कहि रखुछि आपणकु एग्जांपल दे दिला आपण माने निश्चित रूपे जानि परिबे। गोटे संख्या फ्रेंड्स मु नौछि 882, चलन देखिबा 882 मु कोन कहली सूत्र अनुसार ना जदि गोटे संख्यार एक घर संख्यार पाँच गुणवा यही 882 एक घर संख्याटी केते दुई, यही दुई रे आमे पाँच गुणवा, ठीक अच्छे यही दुई रे आमे पाँच गुणवा केते ला 10। ये 10 टी को आणिकी बाकी रेस्ट संख्या जारे गले एठी रेस्ट संख्या कि रहिला बा बड़का संख्या कि रहिला ना 88, यही 88 रे आमे मिसेइबा केते आसला आंसर 98। जदि 98 टा सात द्वारा छिड़ जाऊ 882 टोटाल पर सात द्वारा छिड़ी जीव, तो निहत रूपे आपण कही रखी 1497 1498 ताल ये 98 टा सात द्वारा छिड़गला टोटाल पर 882 भी सात द्वारा छिड़ जीव। आउ गोटे संख्या ना अति सहजे आप बुझीपरेंगे, जदि बड़ अंक हो जाए आप कौन करेंगे, बड़ अंक हो गले भी से फर्मूला 9632 गोटे संख्या ने 9632 गोटे संख्या ने से संख्याटा सात द्वारा विभाजन ना केमी जाणी तेल एक घरे के फ्रेंड्स दुई अच्छी दुई कि पाँच द्वारा गुणिले कमन जिनस पाँच द्वारा सब तो गुणा पड़ो सात द्वारा विभाजित करेंगे आपको ये फर्मूला ही अप्लाई करा पड़ो पाँच द्वारा गुणवा द्वारा पाँच गुणे 10। ये जो बाकी संख्या रही 963 आम 10 को मिसेले के आंसर 973, किंतु एटा भी एत बहुत बड़ संख्या होगा तथापि आम जापर ये सात द्वारा विभाज्य ताल से ही फर्मूला पुणी पकईवा तार एक घरे भी पाँच गुणवा जी गुणवा द्वारा पाँच तीन 15, ये जो 15 है बाकी 15 97 मिसेवा रेस्ट संख्या बाकी संख्या ये गुटिक 97 15 मिसेवा द्वारा आंसर आस के 112 एवं तो जापर फ्रेंड्स यहाँ सात द्वारा विभाजन ना कहीं 16 17 112 अति आराम से जापर यही फर्मूला पकईकि आपने सात द्वारा विभाज्य सूत्र पाई बड़ बड़ संख्या भी यही संख्यार आपने काढ़ी पारे निहत रूपए आपँ रखिली तेज आपले गोटे संख्या सात द्वारा विभाज्य हे अति आराम से केमी जानवे ना जदि गोटे संख्यार एक घर संख्यार पाँच गुणवा द्वारा संख्याटी जदि जहाँ उत्तर आसला तार बाकी संख्यार मिसेवा द्वारा सात द्वारा विभाजित हुए ताल आपर जे सात द्वारा विभाज्य हे जदि आप तथा कन्फ्यूज्रे पड़ जाऊँगी एडे बड़ संख्या रही 112 मुझे जापार नहीं 112 सात द्वारा विभाज्य कि ना कहीं बेले बेले पिला जाँची गुणन फुणन मिशाण हरण से भूल भाल रहे कहीं आम डिफेन्स लाइन प्रिपेरेसन करुचे प्राक्ट करम मुंड सब चली जाए मुझे जाँची ये सब प्रोब्लेम आम सहित हुए कितु आपने अति सहजे जानवे जदि जापार ना तो निहत रूपए पुणी से ही फर्मूला पकेबे जदि मनकर देखते ये 112 मुझे कही रखिली 16 17 112 मनकर पणिकी आप भूल जाते पुणी से ही 112 को आपने पकईपरेंगे तार भी पाँच एक घर दुई गुणी देते सरी एक घर दुई अच्छे तादी भी पाँच गुणी देते पाँच गुणे 10 11 10 मिसेदेवे 21 एवं तो जापर फ्रेंड सात पणिकार 21 7 3 21 आसे टोटाल ये जो 9632 सात द्वारा विभाज्य हो पार ये जी 98 अच्छे आज जापार ना 1497 पणिकिया मन ना तो ये भी से ही फर्मूला पकई पारे तो निहतर भी 8 रे 5 गुणे जेहतु एक घर 8 अच्छी के 40 40 बाकी संख्या को मिसेबे 9 49 49 सात द्वारा विभाज्य आज जानते सात पणिका 7 7 49 तो निहत रूपए आपने एमती फर्मूलें काढ़ी पारे टोटाल गोटे संख्या को सात द्वारा विभाज्य करें ये फर्मूला पकई पारे अति आराम से पाइपर उत्तर निहत रूपए मुझे ग्यारंटेड सहित आपही रखुच्छी तेज नेक्स्ट देखा आपही रखिए गोटे संख्या 8 द्वारा विभाज्य बोली आपत जानवे गोटे संख्या 8 द्वारा विभाज्य बोली आपत जानवे ध्यान दे देखते फ्रेंड्स जमी 4 रही सेमती 8 भी हम कि टीए पर अच्छी जदि गोटे संख्यार प्रथम तीनोटी अंकर संख्या जदि गोटे संख्यार प्रथम तीनोटी अंकर संख्या जदि 8 द्वारा विभाजित हुए तेबे संख्याटी टोटाल 8 द्वारा विभाजित हो तेबे चलतु देखा मनकर गोटे संख्या नवा के 864 864 गोटे संख्या नेली 864 8 द्वारा विभाज्य बोली मुझे केमी जानवी ना ना आउ टे बड़ नहीं जाओ 15864 15864 ए संख्याटी 8 द्वारा केमी विभाज्य हे देखु एक घरे 4 अच्छी 10 घरे 6 अच्छी 7 घरे 8 अच्छी टोटाल संख्याटी के 864 ए संख्याटी आमको 8 द्वारा विभाज्य कर 8 द्वारा विभाज्य कर सूत्र कौन जदि गोटे संख्यार एकक दशक शतक स्थान संख्या
टोटाल उपर आठ द्वारा विभाज्य होते आम जाना संख्याटी आठ द्वारा विभाज्य तेल एक दशकर संख्याटा टोटाल उपर के अच्छे ना 864 ए संख्याटा आम आठ में विभाज्य करवा आठ कणिकार आठ के आठ शून आठ अष्टा चौष्टि शहे आठ को जब आम आठ में गुणुचे शहे आठ को जब आठ में गुणुचे तेल टोटाल उपर आम 864 आसूँ जेहेतु छिड़ी जाऊँच आम ग्यारंटेड सहित कही पार्बा जो 15864 आठ द्वारा विभाज्य हो पार तो निहत रूप में कही रखी आउ गोटे संख्या नवा आपको निश्चित रूप में फंडामेंटल बत रखी आउ गोटे संख्या नवा जहाँद्वारा कि आपने अति आराम से जापरेंगे आउ गोटे बड़ संख्या नवा जहाँद्वारा कि आपण मानक बुझे अति सहज हम देखो गोटे संख्या मुझे नी के ना टोटाल संख्याटी मुझे लिखी रखुचे आपने टोटाल जापरेंगे देखो गोटे संख्या लिखिली के एक लक्ष सरी 17,82,48 आपण मानक कहि संख्या टोटाल आठ द्वारा विभाजन आने केमी जानवा 17,82,48 संख्याटी आम जानवा केमी देखो ये एकक शतक दशक जो संख्या गुड़िक रही टोटाल पर संख्या के 248 ए संख्याटी जदि आठ द्वारा छिड़ी ताहले ए इत्ते बड़ संख्याटी भी आठ द्वारा छिड़ी बाकी सिंपल पूरा सिंपल फर्मूला जदि एकक दशक शतक स्थान अंकटी आठ द्वारा छिड़ी जाऊँच जेटा बड़ संख्याटी हेल्ले भी से आठ द्वारा छिड़ी तो देखो आठ द्वारा छिड़ी ना देखा 8×3=24 आठ के आठ मानने 31 के आठ में गुणा द्वारा 248 आसुच्ची जेहेतु आठक द्वारा छिड़गला यहाँ तेणुक टोटाल संख्याटी आपण 17,82,248 आठ द्वारा विभाज्य होने चाहिए कैलकुलेशन करेंगे निश्चित रूप आपं संख्या द्वारा छिड़ी आपण ट्राए करूँ बहुत संख्या नियंतु बारंबार करूँ बारंबार करूँ आपत रूप अति आराम से जापरेंगे नेक्स्ट जो संख्याटी अच्छी 9 तो फ्रेंड्स 9 तीन द्वारा जमी विभाज्य जमी तीन कौन देखुले ना गोटे संख्यार अंक मान समि जो तीन द्वारा विभाज्य से संख्याटी तीन द्वारा विभाज्य सेमती 9 द्वारा कौन ना जी अंक मान समि 9 द्वारा विभाज्य अंक मान समि जदि 9 द्वारा विभाज्य ताल टोटाल पर संख्याटी 9 द्वारा विभाज्य तेज गोटे संख्या नवा आम कौन संख्याटी नवा देखो 333 गोटे संख्या आम नवा 333 जो संख्याटी रहा ए संख्यार अंक मान समि जदि 9 द्वारा विभाज्य ताल टोटाल संख्याटी 9 द्वारा विभाज्य देख 3×3=6, 3×9 टोटाल संख्यार समि के 9 द्वारा विभाज्य तेणुक 333 आपण मैंने 9 द्वारा विभाज्य पाई तो यही जगह आज जब जिते बड़ संख्याटी ने भी जब संख्यार अंक मान समि 9 द्वारा छिड़ी जाऊे तो निहतर भी संख्याटी 9 द्वारा विभाज्य हो तो यही फर्मूलार आपण मैंने 9 काढ़ीपारे अति आराम से नेक्स्ट कौन अच्छे 10 द्वारा पूरा सिंपल फ्रेंड्स आप देखिपारे जदि गोटे संख्यार एकगरे शून थी केवल शून आउ कि नुह फ्रेंड्स केवल शून से 15 लक्षर संख्या हो कि 20 लक्षर संख्या हो कि गोटे कोटीर संख्या हो जदि से संख्यार एक घरे शून थी ताहले टोटाल संख्याटी 10 द्वारा विभाज्य हो नेक्स्ट अच्छी 11 फ्रेंड्स ट्रिकी अच्छी आपने चाहिए खाता पिने टाइप करेंगे निश्चित रूप आपने जापरेंगे मुझे टोटाल पर बतई रखी केमी आपार काढ़े 11 काढ़ आपको गोटे फर्मूला अप्लाई करा पड़ो किसी फर्मूला ना फ्रेंड्स बही फर्मूला मुझे आपको कही रखी निश्चित रूप आपने अति आराम से जापरेंगे गोटे संख्या जदि आपची डिटेल्स जानतु पूरा टोटाल जहाँ लिखा जाए आपको पढ़ कौच मनकर गोटे संख्यार जुग्म और अजुग्म स्थान अंक मान वियोग कले 11 द्वारा विभाज्य केमी जानवे ना गोटे संख्यार जुग्म और अजुग्म स्थान अंक को वियोग कले वियोग फल जदि 0 किंबा 11 आसे ताहले सेटा 11 द्वारा विभाज्य हम मुझे कह रखुची गोटे संख्यार जुग्म और अजुग्म स्थान अंक मान समि मुझे समि लिखा भूली जादी गोटे संख्यार जुग्म और अजुग्म स्थान अंक मान समि को वियोग करिबा द्वारा जो वियोग फल 0 किंबा 11 आसे ताहले टोटाल संख्याटी आपण मानक 11 द्वारा विभाज्य हो गोटे संख्या नवा 5,32,356 5,32,356 तो फ्रेंड्स मुझे शुणु गोटे संख्यार जुग्म और अजुग्म स्थान अंक मान समि गोटे संख्यार जुग्म और अजुग्म स्थान अंक मान समि जुग्म अजुग्म गोटे संख्यार आम केमी जानवा कौ स्थाना जुग्म अजुग्म आम केमी जानवा तो देखो एक घर संख्याटा अजुग्म रहा
सत घर संख्याटा अजुग्म रहिबो एवं आपणकर 10,000 घर संख्याटा अजुग्म रहिबो एबोले फॉर्मूला रे आपण माने करिबे काहेकि ना एक घर संख्या रे एक आसछि सत घर संख्या रे तीन आसछि माने एमिति नै फ्रेंड्स ए संख्या रे कोन आसछि किंतु सतक स्थानटा तीन रहूछि ना तीन नंबर रहूछि ना तो सहसांश जो 10,000 स्थान था पाँच रोज ना तो यही एकक स्थान रोचे यहाँ तीन नंबर स्थान रोचे यहाँ पांच नंबर स्थान रोचे यही आम काढ़ गोटे संख्यार टोटाल जुग्म अजुग्म स्थान कौटा तो फ्रेंड्स यही आम काढ़ तो आम कौन डिसाइड करवा 532,356 आम अजुग्म स्थान तक पाईले केत अजुग्म स्थान तीन प्लस तीन प्लस छो संख्या अजुग्म स्थान संख्या गुड़िकर समस्त के छार तो बार पाइले जो जुग्म स्थान अंक जुग्म स्थान अंक है दशक सत हजार एवं एक लक्ष स्थान जो संख्याटा अच्छे से जुग्म स्थान अंक कहीं यहाँ दुई नंबर स्थान रहा चार नंबर स्थान रहा छ नंबर स्थान रहा जेहेतु दुई चार छ गोटे जुग्म संख्या से ही प्रणाली आप काढ़ीपारे तो देखो दुई नंबर चार नंबर छ नंबर स्थान जो संख्या गुड़ आस कौन आ पाँच प्लस दुई प्लस पाँच के आसला पांच दस दुई बार तो कौन कही फ्रेंड्स आपली गोटे संख्यार जुग्म एवं अजुग्म स्थान अंक मानक वियोग करने द्वारा जदि वियोग फल शून कि एगार आसे ताहले टोटल संख्याटी आपर एगार द्वारा विभाज्य होयोग द्वारा केत फ्रेंड्स शून आसे आपर कहीपर जे 532,356 संख्याटी एगार द्वारा विभाज्य हो तो आउ गोटे फर्मुला देखा गोटे संख्या मुझे 87,879 तेरे चलतु देखा आपण मानक अति आराम से बुझे रखी आपति जापर तेरे देखते फ्रेंड्स मुझे संख्याटी लिखि रखी केते संख्याटी रही 87,879 ए संख्याटी आपंकर एगार द्वारा विभाज्य बोली केमी जाना से ही फर्मूला पकवा जदि वियोग फल जुग्म अजुग्म स्थान मानक समष्टि वियोग फल जदि शून कि एगार आसला तो टोटल संख्याटी आम एगार द्वारा विभाज्य बोली जापर तेरे मुझे कह रखुच्छी देखो अजुग्म स्थान रही कौन 9, 8, 8, 9+8+8, 8 16, 9 16, 25 टोटाल संख्याटी अजुग्म स्थान संख्या मानक समस्ट के आसला 25 जुग्म स्थान अंक मानक समस्ट के आसला 7+7 के आसला 14 तेज 25 रु 14 गले 11 तो फ्रेंड्स मुझे कह रही जुग्म अजुग्म स्थान अंक मानक वियोग करने द्वारा जो समस्ट आसोक वियोग करने द्वारा जदि शून कि एगार आसे ताहले टोटाल संख्याटी एगार द्वारा विभाज्य देखो ये एगार आसला ताहले आपरि जे टोटाल संख्याटी आपण मानक एगार द्वारा विभाज्य बोली तो फ्रेंड्स आपने जेडे जेडे बड़ बड़ संख्या ने जदि यही फर्मूला अप्लाय करेंगे तो निश्चित रूप अति आराम से जापर गोटे संख्या एगार द्वारा केमी विभाज्य हम जमी मुझ फर्मूलार कली आपति फर्मूला करेंगे बारंबार ट्राए करूँ बारंबार ट्राए करूँ जहाद्वारा कि आपति आराम से जापर फर्मूला बेसिक नलेज पाइपर आपर अति आराम से गोटे गोटे गणित सहजे सल्व हो तो फ्रेंड्स मुझे आज जो भिड रहा आपँ को टोटाल दुईठ आरंभ कर एगार जाए पूरा केमी गोटे डिजन हम गोटे डिजिबिलिटी उत्तर पाइपर आपने दुई तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस एगार अति आराम से गोटे संख्या एक द्वारा विभाज्य बोली केमी जापर जहाँ विषय में बर्तमान भिडियो आपको टोटाली बुझे पारे आशा करें मो बुझा प्रोसेस को बुझीपारे आपण मानी ए सहज अति सहज रही अति आराम से आपने मन रखी पारे तो यही प्रोसेस आगू आपर मैथमेटिक्स करेंगे खातार टाइप करूँ एसबू जिन जहाँ भी रखिले आपति रूप नोट कर रखु कहीं आगू आपर बहुत सारा एम क्वेश्चन करार अच्छे तो निहत रूप आपे तो फ्रेंड्स ये थिला डिटेल्स अपडेट नेक्स्ट एपिसोड रे आरो परवर्ती एपिसोड नेबी आपण मानको किछि मैथमेटिक्स देबी ता सहित आपण मानकर किछि फार्मूला भी कहि रखिबे आउ किछि रहला आपण मानकर जो सूत्र अनुसार एठु आरंभ करी बी प्लस जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू आरंभ करके ए प्लस बी होल स्क्वायर जो फर्मुला रही मैथमेटिक्स आवश्यक रोचे से सब भी आपण सहित सेयार करी नेक्स्ट एपिसोड रे आसीबा ता पूर्व आपको नोटिफाई करी कौन मुझे आणिक आसि तो निहत रूप फ्रेंड्स आज भिडियो रहा डिविजिबिलिटी फर्मुला जहाँकि आपण सहित सेयार कली किमी लगेगा निश्चित रूप कमेंट करके जनवे जदि बुझीपारे तो कमेंट सेक्शन में निश्चित कहे हाँ सर मुझे बुझीपाली जिनस अति आराम से बुझीपाली ताद्वारा कि मत मोटेसन मिले फ्रेंड्स मुझे आहरी बढ़िया मात्रा के आपंप भल भल जिन आणिक आसि भल भल प्रणाली आणिक आसि भल भल मानने स्टडी मटेरियल आणिक आसि जहाद्वारा कि आप अति आराम से बुझीपारे तो फ्रेंड्स आज भिडियो बास
आपण माने चाहिले आमर टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन करेंगे निहत रूप में आपको रखी टेलीग्राम ग्रुप को आपण माने चाहिले जॉइन करेंगे तार लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड में मिल जाव आपण माने पई टेलीग्राम ग्रुप रही व्हाट्सएप ग्रुप रही आपण माने सेठी चाहिले जॉइन करेंगे तो निहत रूप में आमर टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप को जॉइन करूँ जहाँद्वारा कि आपण मानकर ही बेनिफिट रहा पेंट आपण डाउट में पड़े आपण सीधा सड़क आमको पचारि परिबे तार उत्तर मु आपण मान सहित शेयर करबे ओडिसा पुलिस पई ओडिसा जॉब डिटेल्स रे जॉब अपडेट सहित आपण मानको एबल क्लास मिलुची आपण मानको पई बहुत किछि सिखिवार अछि आगु फ्रेंड्स आम सहित जोड़ी रुंतु जहा तरह कि आपण मानकर ही बेनिफिट्स हबो सांग मान सहित वीडियो को निश्चित रूपे शेयर करंतु आ जेते मात्रा चाहिबे ए वीडियो को लाइक करंतु एवं आपण गुरुत्वपूर्ण कमेंट निश्चित रूपे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आमको जणतो आज वीडियो टी आपमन को केमेति लागिला आपमन को भल पाबा निश्चित रूपे आम चैनल प्रति बजाय रखंतु आज वीडियो रे बासदिकी पुण्यसी नवतथ्य अपडेट नि से पर्यंत विदाय वंदे मातरम।